तो खेल पुरस्कार पाना हर खिलाड़ी का सपना तो होता ही है, इसके साथ ही ये खिलाड़ियों के लिए बेहद ही सम्मान की बात भी होती है। हर साल की तरह इस साल भी भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनके जज्बे और शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया, तो साथ ही 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक विशेष समारोह में साल 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दरअसल केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की तरफ से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 10 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 5 खिलाड़ियों को ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार दिए गए। साथ ही 2 संस्थाओं को भी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, श्री जेस पीआर, अवनी लेखारा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं अरपिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर, शिखर धवन, भवानी देवी, संदीप नरवाल, सिंगराज अधाना, भावना पटेल, सुहास यतिराज समेत 35 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। इतना ही नहीं, खेल और स्पर्धा 2021 में 10 उत्कृष्ट कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए गए। लाइफटाइम श्रेणी में टीपी औसिफ को एथलेटिक्स, सरकार तलवार को क्रिकेट, सरपाल सिंह को हॉकी, आशान कुमार को कबड्डी, तपन कुमार को तैराकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं नियमित श्रेणी में राधाकृष्ण नायर पी, संध्या गुरुंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नौटियाल, सुब्रमण्यम रमन को सम्मानित किया गया। लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार से लेख केसी, अभिजीत कुंते, दविंदर सिंह गर्जा, विकास कुमार और सज्जन सिंह को सम्मानित किया गया। इस साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ 2 संस्थाओं को भी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मौलाना अबुल कलाम आजाद पंजाब विश्वविद्यालय को भी पुरस्कार दिया गया। बता दें कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था। इस बार भारत को कुल 7 मेडल मिले थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल भी शामिल था। वहीं अगर बात करें पैरालंपिक की, तो इस बार इंडिया को रिकॉर्ड 19 मेडल मिले थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।